नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। चंद्रयान 3 के सक्सेसफुल होने के बाद हमारे देशों को फायदा होगा क्या, क्या लगता है आपको? चले मैं आपको बताता हूँ, लेकिन उससे पहले आप इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि आपका सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत बड़ी हेल्प है। चलिए अब जानते हैं कि चंद्रयान 3 के सक्सेसफुल होने के बाद हमारे देश को कौन कौन से फायदे होने वाले हैं। नंबर 1, चंद्रयान 3 के सक्सेसफुल होने के बाद हमारे देश की रेपुटेशन पूरे वर्ल्ड के अंदर सबसे ज्यादा हो गई है, जिससे कि अब कई सारी ऐसी कंट्रीज जो है जो मून पर जाना चाहती होंगी, उनको कई सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी, और इस इन्फॉर्मेशन को जानने के लिए उन्हें इंडिया की हेल्प तो लेनी ही पड़ेगी, और इंडिया इससे करेगा पैसे चार्ज। पॉइंट नंबर 2, ये मिशन सक्सेसफुल तो हो गया। अब इस मिशन के सक्सेसफुल होने के बाद कई सारे प्राइवेट स्पेस कंपनीज जो है वो इंडिया में सेटअप होंगी, जिससे कहीं ना कहीं डायरेक्ट जॉब अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी और हमारे देश को तो फायदा होना ही है। पॉइंट नंबर 3, वैसे इस मिशन के पूर्ण के बाद कई ऐसी सारी कंपनीज है जिनके शेयर्स बढ़ जाएंगे, यानी कि स्टॉक्स बढ़ जाएंगे। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूं इसरो कंपनी के, जैसे कि मैं बात करता हूं भेल यानी कि भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, और भी ऐसी कई सारी कंपनीज जिनके शेयर्स की वैल्यू बढ़ेगी, जिससे अल्टीमेटली हमारे देश की इनकम भी बढ़ने वाली है। ऐसी और इन्फॉर्मेशन को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और हाँ, मैं तो बहुत प्राउड हूँ इस मिशन के सक्सेसफुल के बाद। अगर आप भी प्राउड है तो कमेंट में जय हिंद जरूर लिखेगा। थैंक यू सो मच।